हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब आज मैं हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी तो आइए चलते हैं इसके लिए क्या क्या मसाले लेने हैं देखते हैं तो इसमें ले लिया है मैंने कसूरी मेथी और हम लेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें हैं जावित्री दालचीनी तेज़ और लौंग और ले लेंगे स्वाद के अनुसार नमक और मैंने लिया है दो पिंच हींग और तड़के के लिए जीरा और ले लिया है मैंने काला नमक रिफाइंड ऑइल तो मैंने लिया है यहाँ पर पाँच से छः आलू आलूओं को हम मैश कर लेते हैं तो इसी तरह हम आलूओं को मैश करेंगे आलू को हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको हमें थोड़ा मोटा ही रखना है बारीक बिल्कुल नहीं करना है नहीं तो सब्जी बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी तो इसे हमें मोटा मोटा ही रखना है तो आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू को इसी तरह मैश कर लिया है अब रख देते हैं गैस पर कढ़ाई को तो अब हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल रिफाइंड ऑइल को हम गरम होने देते हैं तो रिफाइंड ऑइल हमारा गरम हो गया है अब हम डालेंगे इसमें जीरा डालेंगे अब हम इसमें हींग, तो हींग और जीरा दोनों को हम थोड़ा चला लेते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड जीरा हमारा ब्राउन हो गया है तो अब डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट तो इसको मैंने पहले से ही बनाकर रख लिया था तो अब हम इसको थोड़ी एक से दो मिनट के लिए इसे हम पकने देते हैं इसको हम थोड़ा चला लेते हैं और मसाला हमारा पक रहा है तो आप भी बनाइए इसी तरीके से भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी फ्रेंड ये बिना प्याज और लहसुन के बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे इसमें किचन किंग मैंने डाला इसमें काला नमक तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना बढ़िया आया है और हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी तो मसालों को थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं तो मैंने डाल दिया है दो से तीन टमाटर टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार तो इसको हम दो से तीन मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं तो आप देख सकते हैं टमाटर हमारा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तो इसको हम थोड़ा और चला लेते हैं और इसको हम फिर से दो से तीन मिनट के लिए कवर करके रख देंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड टमाटर बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो गया है और मसालों का कलर कितना बढ़िया आया है तो इसको हम थोड़ी देर तक इसे चला लेंगे अब डाला है मैंने कुछ खड़े मसाले जो मैंने पहले बता दिया था दिखा दिया था तो आप इसे तड़के में भी डाल सकते हैं पर आप ऐसे डालेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इसका तो आप ऐसे ही डालें मसालों में तड़के में ना डालकर तो अब हम इसमें डालेंगे ये मैश किए हुए आलू आलू को हम मिक्स कर लेते हैं तो ताकि मसाला और ये आलू दोनों मिक्स हो जाए तो अब हम इसको इसी तरह मिक्स कर लेंगे तो आलू हमारी सारी मिक्स हो गई है अब इसमें डालेंगे हम पानी पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा आपको थिक चाहिए तो कम डालें और नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं पानी कम या ज़्यादा तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे पानी हमने डाल दिया है तो अब हम इसको पकने के लिए चार से पाँच मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी पकने लग गई है तो देखने में कितनी बढ़िया दिख रही है ये सब्जी अब इसको हम इसमें डालेंगे हींग तो हींग में हम हमने थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लिया था तो इसे टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया आएगा इसको हम कवर करके फिर से पकने देंगे आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी लगभग पक चुकी है जिसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं तो फ्रेंड इसमें एक भी मसाले स्कीप ना करें अब हम डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर और मैंने डाला है इसमें चाट मसाला चाट मसाले से भी टेस्ट इसका बहुत बढ़िया आता है मैंने डाल दिया है गरम मसाला इसको भी हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे मसाले हमारे सारे मिक्स हो गए हैं इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाते हैं तो फाइनली हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है अब इसको हम धनिया से गार्निश करते हैं तो फ्रेंड सब्जी हमारी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनके तैयार हुई है तो आप भी ज़रूर बनाएं इसी तरीके से तो दोस्तों अब जब भी आपका मन करे भंडारे वाली सब्ज़ी खाने का तो आप आसानी से इस तरीके से घर पर बना सकते हैं ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनके तैयार हुई है आप कलर देख के बता सकते हैं टेक्चर कितना बढ़िया आया है तो फ्रेंड मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग